बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फारूक इलाइसी माँ बाप से मुखातिब हूँ और नुस्खा तजवीज़ करते वक्त की एहतियात के हवाले से एक दो बातें करना चाह रहा हूँ। तबीब को चाहिए कि जब तक वो मरीज़ की बीमारी की अच्छी तरह तशखीस ना कर ले तब तक दवा तजवीज़ ना करे, यानी इस सिलसिला में कभी भी उजरत से काम नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तबीब का जिस दवा पर कामिल तजर्बा ना हो तो वो मरीज़ पर अप्लाई ना करे, यानी सुने सुनाए हुए नुस्खाजात को बग़ैर उसको समझे या बग़ैर उसके तजर्बे के, यानी अपना उसका तजर्बा है तो वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो किसी दूसरे से लेकर किसी दूसरे से पूछ कर किसी मरीज़ पर तजर्बा ना करें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है और बदनामी भी। और बदनामी आपको पता है कि बदनामी का एक तबीब कभी भी मुतामल नहीं हो सकता।